जो देख रहे हैं ना, ये आइस है, पूरा आइस है। इस पे कोई पैर रखेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे प्रो फिटनेस ब्लॉगर्स का वीडियो देखो तो बोलते हैं कि 12,000-14,000 स्टेप्स काउंट करो। आज मैं काउंट करा था कि अगर 10,000 स्टेप काउंट पूरा करना है तो कितना रन करना पड़ेगा। 5 माइल पर आवर के हिसाब से सेट किया था। तो जब 5 माइल कम्प्लीट किया है, मीन्स 8 किलोमीटर, तब जाके 10,000 स्टेप्स काउंट हुआ है। कोई पर्सन ये सोचता है कि 10,000-12,000 स्टेप्स काउंट करके अपना वेट घटा सकता है या बॉडी बना सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसके साथ साथ 1 घंटा अच्छी सी वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है और अच्छा खाना लेना पड़ता है। तो और खाना भी ऐसा कि जो अंदर जाता ही नहीं है, खाने का मन ही नहीं करता है। 1 घंटा एक्सरसाइज लगता है। सो हमें तो लगता है भाई हम सब कुछ कर लेंगे, बट फिर लगता है टाइम कहाँ से लाएंगे। टाइम तो 24 ही घंटा है। अभी समर समीर सोए थे तो जस्ट चुपचाप उठा के जाके अपना एटलीस्ट थोड़ा सा 1 घंटा समर समीर उठेंगे और ये बारिश का पानी और ये सब देखेंगे ना, तो बोलेंगे लेट्स ड्राइव द कार। और आइस भी बन गई है तो बहुत स्लिपरी हो गया है। बाहर आपने देखा क्या हो रहा है? क्या करोगे? अभी चल थोड़ा सा हम लोग ब्रेकफास्ट कर ले, देन वी विल डू। सुबह सुबह ही उठ के हमको बोला है कि मम्मा आई एम नॉट अ बेबी, आई एम अ बिग बॉय। अचानक से क्यों ये हमको बता रहा है? आई लाइक ड्रिंकिंग मिल्क इन ग्लास नॉट इन बॉटल। क्या हुआ था कि कल ये सो गया था जल्दी बिना खाए, तो हम सोचे कि बॉटल में निप्पल के साथ पिला देते हैं। तो थोड़ी देर आधा दूध पिया, पीने के बाद जब उसको रियलाइज हुआ कि निप्पल से पी रहा हूँ, तब गुस्सा के उतरने लगा, नहीं पी रहा था। ग्लास में फिनिश किया। तो वही सुबह बोल रहा था, सुबह बोल रहा है वही। मैंने बोला कि बाहर हवा चल रही है, कोई जाएगा ना तो तुम्हारे जैसे बेबी ऐसे हवा में उड़ जाएंगे, इतना तेज है। तो बोला कि आई एम नॉट ए बेबी, बिग बॉय, अनदर बिग बॉय स्लीपिंग। एंड यू नो बिग बॉय के पास एक वो भी होती है, हॉट गर्ल। हॉट गर्ल? या और नॉर्मल गर्ल। नॉर्मल गर्ल? या। वेलकम टू ब्लॉग गाइस। हमारे घर में ऐसे सब मेस फैला हुआ है, अभी पूरा मेस 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 मेस। एंड कौन मेस फैलाया है? समर। ये पापा बना हुआ है, वो मम्मा बना हुआ है, दूसरा दूसरा सूज पहन के। Look at these guys. See, we are the boys. We always make mess. Look at these. And we look at these monsters. These monster trucks. Samar, वो high heel है. High heel? Yes, high heel. High heel? ये बताइए कि ये किसने दिया है? Thank you बोल दो आंटी को. थैंक यू आंटी। सो हम लोग के दोस्त भी हैं, एक सब्सक्राइबर भी हैं। बगल में ही रहती है ममता जी। एक दिन और आई थी तो बना के लाई थी, तो वही रखा है। तो वो समीर जा रहा है कार चलाने, साथ में लेके चल रहा है कि उधर खाएगा। बहुत दौड़ा देते हैं साथ में सुबह सुबह। 1 घंटा दौड़ के आया और इसके पीछे दौड़ना है लोग। इस पूरे अपार्टमेंट में एक ही बच्चे हैं जो इतनी ठंड में आके स्नो के साथ खेल रहे हैं। इतनी बाल के साथ प्ले कर लोगे? या। ओके छोड़। वाओ गाइस कितना सुंदर लग रहा है ना? वाटर। नाउ स्टॉप, लुक अराउंड, देन गो।
थैंक यू फॉर ट्रेनिंग मी। तो आज प्लान था कि आपको बहुत अच्छी सी एशिया सुपरमार्केट दिखाते, जो वन ऑफ द मेरी फेवरेट शॉप है फिश के लिए, बोस्टन डाउन टाउन के पास में है। और अभी उधर जाने का जो राउट है वो बहुत बिजी है, 13 माइल है, बट 45 मिनट टाइम दिखा रहा है कि 45 मिनट जाना 45 मिनट आना। एक ग्रोसरी स्टोर है मार्केट बास्केट, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा है, कई लोग बोल चुके हैं। हम बहुत पहले 2015 में कंचन बोस्टन में थी, तब उस टाइम पे गए हैं एक दो बार, बट बहुत ख्याल नहीं है, लोग बोलते हैं कि बहुत जेन्युइन प्राइस में रहता है। तो हम लोग चल रहे हैं मार्केट बास्केट, हाँ देखते हैं आप लोग के लिए क्या मिलता है। डू यू गाइस रिमेम्बर दिस प्लेस? Yes, इसके ऊपर जाके चढ़ के हम लोग खाए थे, वेरी नाइस। समीर कहाँ जाना चाह रहे हो? फिश वाला मार्केट बहुत दूर था या बहुत जाम था, इसलिए नहीं, इन लोगों को वहाँ पे फिश और क्रैब देखना था। और जाम में 45 मिनट का पता भी नहीं होता है कि 45 मिनट रहेगा या ज्यादा हो जाएगा। पापा पे सो मेनी केक इन बेकरी, वेरी नाइस केक। कौन सा केक आप लोग को चाहिए? ये बड़ा अच्छा सब रेडी बनाया हुआ है कि कुछ काटना उठना नहीं है, ले जाइए डायरेक्ट ओपन करके डालिए। फर्स्ट टाइम आया है इस शॉप में, बट इसका प्राइस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यहीं से शॉपिंग करूंगा, हर एक प्राइस बहुत अच्छा है। तुम बताओ कैसा था बर्गर? कैसा? भी हमारी टीम आई है बर्गर किंग पे बर्गर खाने के लिए, एक बर्गर अच्छे से भी खाए हैं, इनका फेवरेट होता जा रहा है बर्गर। अपना पेट भर गया तो भूल गए मम्मा के लिए क्या ले चलेंगे? बर्गर बाय कर ले यहाँ से मम्मा के लिए। बहुत पॉपुलर शॉप थी, 25-30 काउंटर थे, सब भीड़ लगी हुई थी। इतने काउंटर हैं? इतना ज्यादा भीड़ थी, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा सस्ती शॉप है, बट एक्चुअली बहुत सस्ती नहीं है, वो ट्रिक वाली है। कुछ चीजें सस्ती है, टोमेटो एंड वाइन $2 पर एल भी है, तो तुम्हें लगेगा कि सस्ता है। यहाँ जाओगी स्टार मार्केट में तो $2.50 है। कास्को से हम लोग लेते हैं तो बल्क में तो लगता है कि 12-15 का एक मिला है, बट पर एल भी या तो $1.50 होता है या तो 1.7 होता है, तो हम लोग कास्को में चीपर पड़ता है। जैसे ये लिए हैं तिलापिया प्लेट फ्रोजन लिए हैं तो $12 का है, तो ये बहुत बड़ा पैक नहीं है ये है, ठीक है। ये अगर यही हम लोग लेते हैं कास्को से तो $16-17 का रियली बिग पैक मिलता है। तो, अच्छा तो एक चीज था कि ऑर्गेनिक अंडा, नॉर्मल ब्राउन अंडा है, ऑर्गेनिक नहीं है, तो ये 18 है, इसका दाम 4.5 है, और हम ऑर्गेनिक लेते हैं कास्को से तो 24 का 6 रहता है, तो अगर 3 लाइन करके 4.5 कर दिया, वो भी नॉन ऑर्गेनिक है, तो सस्ता तो नहीं कहेंगे, सस्ता तो नहीं है कास्को के कंपेयर में, सस्ता नहीं। कास्को की एक ही प्रॉब्लम है कि बल्क में लेना पड़ जाता है और छोटी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, बट 4 लोग हैं तो उनके लिए सही है, बट ये कि थोड़ा सा कास्को में वेजिटेबल की वैरायटी नहीं मिल पाती है, यहाँ वेजिटेबल की वैरायटी ज्यादा थी, बट ये भी नहीं है लोटे प्लाजा की तरह नहीं है। मेरीलैंड में लोटे प्लाजा था, सो वहाँ पर स्पेशलाइज था एशियन मार्केट के लिए, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया एंड चाइना कोरिया सब के लिए, तो वहाँ पे बहुत सस्ता मिलता था हम लोग को। और जैसे हम लोग बकचुआ करके लेते थे ना साग, तो वो साग हम वहाँ पे $1.50 पर एल बी लेते थे, और यहाँ पे यही 1.3 LB का $5 का दे रहा है, तो सस्ता तो नहीं कहेंगे उसको। ओह माय गॉड, तो तो कहेंगे कि ठीक है ये स्टार मार्केट जाने से अच्छा है, बट कास्को के कंपैरिजन में सस्ता नहीं। ये बीन्स वगैरह फ्रेश बीन्स सस्ती थी, ये कितने की है? $1.50 की है पूरा, तो एक तरह से देखें तो 1 LB है, तो $1.50 पर LB बीन्स सस्ती है। जैसे ये देखो, अगर ये देखें तो ये महंगा है, $4 की कॉलीफ्लावर है, ठीक है, तो वो स्टोर सस्ता नहीं कहेंगे कि हर चीज के लिए सस्ता है। तो $4 में रियली बिग बिग मिल जाती है। और लोटे प्लाजा और बाकी इवन सुपर मार्केट चले जाए यहाँ पे 99 में, तो $2.50 की जो रहती है, $3 की रियली बिग रहती है। मैं भी उसी तरह है कि जब जाओ जो सस्ती वेजिटेबल दिखे ले लो। हाँ, और सामान लिया मैंने, सामान $10 पर एल भी है, तो कहाँ सस्ता। और 99 एशियन मार्केट में फ्रेश सामान आप कटा के लेते हो,
तो फुल लेना पड़ता है, बट आपको $7 पर एल भी मिलती है। अभी समर समय सब लोग खा पी के सो गए हैं, कंचन भी सो गई है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रहा था, अब मैं भी एडिट करके और मैं भी सो जाऊँगा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और यहाँ तक देख चुके हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।